students, let's start with the in algebra chapter number 5, which is probability. It's very easy chapter in your whole algebra, in your whole maths 1. Three chapters we are done with. स्टार्ट के थ्री चैप्टर्स हम लोग हो गए. दिस इज द फोर्थ चैप्टर, प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी. क्या हम लोग जब भी कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. इफ वी टॉस द कॉइन जब हम लोग टॉस करते हैं तो उसमें आता है हेड और टेल. एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, हेड है या टेल है, इन दोनों में से कोई आएगा. इफ वी हैव टू कॉइन टॉस, अगर हम लोग दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड हेड आ सकता है दोनों में, या तो टेल टेल आ सकता है दोनों पे, या फिर हेड एंड टेल आ सकता है, या फिर टेल एंड हेड आ सकता है. यानी फोर पॉसिबिलिटीज आ गए. अंडरस्टूड? दिस ओनली पॉसिबिलिटीज कोई भी चीज की हो सकती है. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि शिवा हैज एट बुक्स विथ हिज, शी हैज टू प्लान रीड वन ऑफ द बुक. शी हैज ग्रामर बुक, शी हैज मैथ्स बुक, शी हैज वट एवर बुक, शी हैज एट बुक्स एंड शी हैज टू प्लान रीड वन ऑफ द बुक इन द हॉलीडे. ओके, मीन्स शी हैज हाउ मच पॉसिबिलिटीज, एट पॉसिबिलिटीज शी हैज. वो आठ में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी एक टेक्स्ट बुक रीड कर सकती है, कोई भी एक मैगजीन रीड कर सकती है. मीन्स हाउ मच प्रोबेबिलिटी शी हैज, शी हैज एट प्रोबेबिलिटी. ओके, तो ये कोई चीज़ बोलकर नहीं है कि हम लोग सिर्फ हेड एंड टेल यानी कॉइन टॉस पे ही कर सकते, या फिर वी हैव ओनली डाइज, या फिर वी हैव ओनली दैट पत्ताज. ओके, इफ वी ड्रॉ ऑन द डाई, अगर वन डाई है तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इतने होंगे. इफ वी हैव टू डाई तो कैसा होगा, वन 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 टू, ऐसा करते 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 सिक्स सिक्स तक आ सकते हैं, यानी 36, यानी टोटल 36 फ्रॉम द पैक बेयरिंग नंबर 1 to 25. तो हम लोग के नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 25. ओके, अगर कार पूरे 52 शफल पैक है तो डायमंड स्पेड हार्ट क्लब ये चार टाइप के होते हैं, जिसमें जैक क्वीन किंग के साथ होता है. ऑल ऑफ यू नो दैट. ओके, तो एक चार्ट है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है सैम्पल स्पेस का, दैट चार्ट यू हैव टू लर्न. ओके, तुम्हारे नोटबुक में एक चार्ट इज गिवन, दैट चार्ट यू हैव टू राइट टू टाइम्स इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न दैट चार्ट. ओके, सो लेट स्टार्ट विद द 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5.1 में, इट्स वेरी इजी चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. वी हैव टू नो, वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द फर्स्ट क्वेश्चन. वेनिता वेनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन. यानी वेनिता आठ साइट को जानती है महाराष्ट्र में, और वो प्लान कर रही है कोई एक साइट पे विजिट करने का, जैसे अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन. ओके, सो वेनिता कैन विजिट एनी ऑफ द एट प्लेसेस इन महाराष्ट्र, सो शी हैज हाउ मच पॉसिबिलिटीज, सो शी हैज एट पॉसिबिलिटीज. तो ऐसे ही आप लोगों को लिखना है सारी चीजें इसमें. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली. कोई भी दिन वीक में सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली. तो देर आर कितने डेज होते हैं एक वीक में, देर आर 7 डेज इन अ वीक, सो देर आर 7 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग एनी वन ऑफ डे रैंडमली. थर्ड क्वेश्चन इज, सिलेक्ट एनी कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड. तो देर आर कितने, हाउ मच कार्ड, देर आर 52 कार्ड्स, सो देर आर 52 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग एनी वन कार्ड. Now, last but not least, one number from 10 to 20 is written on each card. 10 to 20 is written on each card. Select any one card. There are how many number? 10,
11 नंबर्स आ गए. तो 11 पॉसिबिलिटीज आर देयर टू सिलेक्ट एनी वन कार्ड रैंडमली. ओके, सो आपके पास एक चार्ट है, दैट चार्ट यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टूड हाउ वी हैव टू राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 5.2. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस, यानी नंबर ऑफ एस लिखना है अपने को, सैंपल सैंपल पॉइंट नंबर ऑफ एस लिखना. वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. वन कॉइन एंड वन डाई, यानी पहले देखना द सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन का देखेंगे. द सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन का देखेंगे. तो कॉइन में क्या होता है, पहले हम लोग यानी एक या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, और नंबर ऑफ एस हो जाएगा इसमें 2, 1, 2 ना. और फिर सैंपल स्पेस ऑफ अ डाई देखेंगे, सैंपल स्पेस फॉर अ डाई. तो डाई के लिए क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब नंबर ऑफ एस हो जाएगा 6. अभी टू कॉइन, ये डाई और कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किया गया हमने दोनों एक साथ, तो साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, ये साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, मतलब एच के साथ पहले 1 जाएगा, एच के साथ फिर 2 जाएगा, एच के साथ 3 जाएगा, एच के साथ 1 जाएगा, टी के साथ 2, टी के साथ 3, टी के साथ 12 पे आ गया, यानी हेड के साथ पूरे 6 गए, टेल के साथ पूरे 6 गए. नाउ टू डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, विदाउट रिपीटिंग यानी 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 नहीं बनेगा. ओके, तो टू डिजिट फॉर्म यूजिंग टू डिजिट फॉर्म आएगा 2, 3 and 5. तो कैसे बनेगा ये, पहले 2, 3, 2, 5, फिर 3, 2, पहले 2 के साथ 3 गया, फिर 2 के साथ 5 गया, फिर 3 के साथ 2 गया, 3 के साथ 5 जाएगा, रिपीट नहीं करना है, यानी 3 नहीं होगा, फिर 5 के साथ 2 जाएगा, 5 के साथ 3 जाएगा, कितने बने, 2, 2, 4, 2, 6, यानी नंबर ऑफ एस कितने आ गए यहाँ पे, 6 आ गए. ये होती है पॉसिबिलिटीज, दिस इज द प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट स्टेप यू हैव टू लर्न. बिफोर ओनली आई टोल्ड यू आई वॉज एक्सप्लेन टू यू हाउ टू सॉल्व एंड व्हाट चार्ट इज यू हैव टू लर्न. ओके, सो इफ यू आर डन विद दैट चार्ट, यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दैट चार्ट, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क. मतलब एक रोटेशन बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 का पार्टीशन में लगे, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप. तो देर आर हाउ मेनी, देर आर 6 कलर्स ऑन द डिस्क, द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी ऑफ द नंबर. अभी वी डोंट इमेजिन के नंबर यही डिस्क पे नंबर आके रुकेगा, कोई भी डिस्क पे कोई भी मतलब नंबर पे डबल नंबर इट मे स्टॉप. ओके, तो वी डोंट इमेजिन कि हम लोग का वही चीज़ पे आकर रुकेगा. तो क्या है ये, देर आर 6 कलर्स ऑन द डिस्क, द एरो कैन स्टॉप ऑफ एनी ऑफ द कलर. मतलब क्या हो जाएगा, एस पहले स्टार्ट विद पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे. ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5. अभी पहले मार्च का कैलेंडर देखना, 5 का मल्टीपल देखना, तो स्टार्ट विथ 5, 5 के बाद 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5, 2 ज़ा 10, 5, 3 ज़ा 15, 5, 4 ज़ा 20, 5, 5 ज़ा 25, 5, 6 ज़ा 30, मतलब 5, 6 ज़ा 30, यानी टोटल नंबर ऑफ एस कितने होंगे, 6 होंगे. और जो जो दिन पे आ रहे हैं ना 5 का मल्टीपल, ट्यूसडे आ रहा है, संडे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, वो सारा आप लोगों को लिखना है. ओके, बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चंस. लास्ट 4 वाला एक्सपर्ट सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 फ्रॉम द 2 बॉयज B1 एंड B2 एंड 2 गर्ल्स G1 एंड G2 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यू हैव टू कंप्लीट ऑन योर ओन. ओके, थैंक यू.